हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्लास ट्वेल्थ का अभी जो सीईटी आने वाला है 2021 का, उसके लिए आपको बुक्स कौन सी लेनी है, उसके बाद में उसका सिलेबस हमने डिस्कस किया था। सिलेबस जो है उसका पीडीएफ का लिंक भी मैंने आपको भेजा था, सही है। अभी इस वीडियो में जो आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारा जो 2021 का सीईटी नीट या जेईई है, उसके लिए जो वीडियोज़ थे कुछ चैप्टर्स के मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं, ठीक है। वो आपको वीडियोस में मिलेंगे नहीं, बहुत नीचे जाना पड़ेगा आपको। तो मैंने क्या किया है, एक प्लेलिस्ट बना के रखी है MHT CET 2021 नाम की। अभी एक लेटेस्ट पीडीएफ बनी है, उसमें 18-19 कुछ वीडियोस है। वो उसमें आपको जो है एकदम क्वालिटी MCQ के वीडियोस मिल जाएंगे हर एक चैप्टर पे। हर एक चैप्टर के मतलब जो मैंने कल आपको बताया कि यूनिट मेजरमेंट जो है उस पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। स्केलर वेक्टर पे एक वीडियो मिल जाएगा, ग्रेविटेशन पे आपको 4 से 5 वीडियो मिलेंगे। उसके बाद में आपको मिलेगा इलास्टिसिटी चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है, उस पे है, रोटेशनल डायनेमिक्स पे भी है, ठीक है कुछ। तो हम जो सीईटी का सीरीज स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि वो प्लेलिस्ट पे जाए, आप प्लेलिस्ट से जाए और अपने चैप्टर के हिसाब से अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है। जो हम अभी वीडियो बनाएंगे, ठीक है, आज या कल मैं अपलोड भी कर दूंगा मैं, वो होगा हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन पे, मतलब मोशन इन प्लेन, ठीक है। तो मोशन इन प्लेन में क्या आता है, आपका प्रोजेक्टाइल मोशन भी आता है और आपका सर्कुलर मोशन भी आता है, ठीक है। तो प्लेन जो प्रोजेक्टाइल मोशन है और जो सर्कुलर मोशन है उसका आपको स्टडी करना होगा, ठीक है। सर्कुलर मोशन का डिटेल जो है वो रोटेशनल डायनेमिक्स में मिलेगा, और रोटेशनल डायनेमिक्स का कुछ पार्ट जो है वो ऑलरेडी मैंने उन वीडियोज में कवर कर लिया है। तो आपको क्या करना है, ओमेगा क्लासेस पे आना है, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाओ, पहला ही प्लेलिस्ट जो है वो आपको मिलेगा MHT CET 2021 का। उसमें जाओ, चैप्टर देखो, चैप्टर के हिसाब से अपना स्टडी स्टार्ट कर दो, ठीक है। और उसमें जो MCQ लिए हैं सारे के सारे क्वालिटी MCQ है। जो MCQ मैंने लिए है उस वीडियो में वो कम से कम 5 से ज़्यादा या कम से कम 5 या उससे ज़्यादा बार पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में, ठीक है। ज़्यादातर मैंने उसमें कॉन्सेंट्रेट किया था नीट JEE और CET के लिए। तो आपको जब वो पढ़ोगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि CET में कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो बुक्स आपको कौन सी लेनी है वो आपको पता है, और वीडियो देखते रहो, वीडियो कंटिन्यूस में डालने की कोशिश करता रहूँगा। तो आज के वीडियो में मुझे बस आपको इतना ही बताना था। अगला वीडियो जो आएगा वो आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन पे, ठीक है। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।